मैं आया हूँ करनाल, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी के ऑफिस। और सभी कुशल मंगल हैं और आशा करते हैं भगवान की दया से सब ठीक होगा। देखिए, आज की ये कार्रवाई रही है, मैं कई दिन से लाइव नहीं आ पाया और इस वजह से आप इस वीडियो को पहले बात जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको साथ के साथ शेयर करते रहें, क्योंकि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आईजी साहब ने जो हमारे ऊपर, मेरे ऊपर और रिश्वतखोर के उस पे शिकायत पे झूठा मुकदमा कराया था, और एक जो था दूसरा पत्रकारा के राम जनता के, उनकी इन्वेस्टिगेशन आज मैंने एप्लीकेशन दी थी, जो आईजी साहब ने करनाल एसपी जो गंगाराम पुनिया हैं उनके पास भेज दी है। अभी बाय हैंड तुरंत फैक्स करके ऑर्डर हो चुके हैं उसके। और अब बात ये रह गई है, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है, जो पानीपत का एसपी है शशांक कुमार सावन, वो एक मेरे बारे में बहुत ही दुष्प्रचार कर रहा है। आवाज आ रही है क्या? आ रही है। मेरे बारे में बहुत ही बुरा दुष्प्रचार कर रहा है, आईपीएसों को गुमराह कर रहा है सभी को। ये तो ऐसा है वैसा है, पोल पट्टी पाड़ता है, खिलाफ बोलता है। भाई मैं आईपीएसों के खिलाफ नहीं बोलता, मैं करप्शन करने वाले अधिकारी के खिलाफ बोलता हूँ। ये करप्शन करता था इसलिए इसके खिलाफ बोल रहा था कि करप्शन करता उसके खिलाफ। मेरा किसी आईपीएस से कोई वो नहीं है, कभी कोई आईपीएस इसके बहकावे में आके गलत कदम उठाए। ये एक जलती हुई आग है, सारा देश इसमें साथ है, जलती हुई आग है ये। आईपीएसों से मेरी रिक्वेस्ट है, इसके बहकावे में मैं ना आए, इसे आईपीएस के बहकावे में ना आए शशांक कुमार सावन के। ये तो बिल्कुल इसने इतना गलत काम कर दिया, ये दाग रहेगा पूरी जिंदगी, जब तक इतिहास रहेगा ये दाग इसके माथे पे रहेगा, जब तक ये जिएगा। कोई भी आईपीएस इसके बहकावे में नहीं आए, सभी आईपीएसों तक बचा दे। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कर दे सभी, और सभी आईपीएसों तक बचा दे। मेरे खिलाफ एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है इस एसपी के द्वारा, शशांक कुमार सावन के द्वारा, सभी को गुमराह कर रहा है। भाई तुम्हारे खिलाफ ये वो कर रहा है। भाई मैं किसी आईपीएस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ हूँ, जो यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा था, भ्रष्टाचारी के खिलाफ हूँ। और आईजी साहब ने तुरंत प्रभाव से इसकी जांच वहां से छीन ली गई है उनके हाथों से। अब यहाँ गंगाराम पुनिया एसपी साहब हैं, वो इसकी जांच करेंगे। और मैं सभी आईपीएसों से, सभी जांच एजेंसियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इसमें निष्पक्ष जांच करें और इस एसपी शशांक सावन के बहकावे में कोई ना आए, क्योंकि ये जनता सब कुछ देख रही है और 100% सच्चाई है। और रिश्वत ले रहा था, मैंने तो हाथ भी नहीं उठाया, उसने मारपीट भी करी, गाली गलौच भी किया, और कोई कार्य मैं उसके बाद आनी डाली मैंने, उसने मेरे को जबरदस्ती रोक के रखा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है ना, इसको सभी शेयर कर दे और आईपीएसों तक सभी तक जानी चाहिए, देश में गूंजनी चाहिए ये, क्योंकि इसने गुमराह कर दिया है बहुत सारे आईपीएसों को, ऊपर तक गुमराह कर दिया इसने। ये सरकार को भी गुमराह करने की कोशिश में लग्या हुआ है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। कोई भी आईपीएस इसके बहकावे में ना आए, कोई भी अधिकारी, ये जलती हुई आग है। मैंने किसी और से वो मतलब नहीं है, अधिकारी से, मैं सबका ईमानदार अधिकारियों का सबका सम्मान करता हूँ। और भाई इस आग में कूदने का वो ना करें कोई भी, मेरी नौकरी कुछ नहीं है ना मेरी जिंदगी कुछ है, लेकिन ऐसे गलत करोगे ना मैं उनको छोड़ दूंगा।